तय भूमि का वो लाल पहाड़ी बियाबान में खतरनाक मिशन पर जाने की तैयारी कर रहा था। उस जाबाज ने सिर पर कफन बांधकर घातक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कमर कस ली थी। आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए रवाना होने से पहले शहीद कैप्टन दीपक सिंह ने अपने घर पर फोन से वीडियो कॉल किया और परिवार का हालचाल जाना। मां ने पूछा कहां जाने की तैयारी है, तो शहीद बेटे ने कहा कि यूनिट के बेस पर आराम करने जा रही हैं। उस वीर सपूत ने अपनी मां से झूठ बोला था। अपनी इस झूठी तसल्ली को पुख्ता करने के लिए शहीद कैप्टन दीपक सिंह ने अपनी वर्दी की शर्ट उतार दी थी और बनियान में ही घर पर वीडियो कॉल की थी ताकि परिवार को उनके झूठ पर कोई संदेह ना हो और मिशन की बात जानकर माँ के सीने में सीरन पैदा ना हो। शहीद कैप्टन दीपक सिंह ने माँ से तो झूठ बोल दिया था, लेकिन पुलिस से रिटायर्ड उनके पिता महेश सिंह सच जान चुके थे। बेटे के जूते और हाव भाव देखकर उन्हें अंदाजा हो गया था कि बेटा किसी मिशन पर जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन मिशन देश की हिफाजत के लिए जरूरी था, इसलिए पिता ने राष्ट्र की सेवा पर निकले बहादुर बेटे को वतन की माटी का कर्ज चुकाने से नहीं रोका। उससे हमारी कंटिन्यूस वीडियो कॉल पर बात होती थी, लेकिन उसका उसकी अपना ट्रेनिंग का जो है उसको सिखाई होती है, उसको हमेशा मेंटेन रखता रहा। वो कोई भी अपनी वहाँ की जो बात है उसको एग्जैक्टली शेयर नहीं करता था, जस्ट उसके अपोजिट रहता था। यदि उसको कहीं अपना किसी मिशन पर भी जाना है वो कहता था आज हमारी पार्टी चल रही है, और यदि कहीं जा रहा कहता था मैं अब सोने जा रहा हूँ। तो वो उस चीज़ को मैं ही और मेरा बेटा ही उसको हम जान सकते थे कि एक्चुअल है क्या और होना भी चाहिए। उसको ये हर चीज़ को कोई भी फोर्स का बंदा हर चीज़ को शेयर नहीं कर सकता ना करना चाहिए, और उसको पता है वो अपनी ड्यूटी को बखूबी करता था और बड़ी ब्रेवी से करता था। व्हाट्सएप पर मैसेज भी डालता था कि मैं अभी अपनी यूनिट जा रहा हूँ, तो माँ ने उसको व्हाट्सएप पर बोला था कि यूनिट से अभी आया नहीं, कब तक आएगा, तो वही उसका लास्ट मैसेज था। परिवार को झूठी तसल्ली देने के बाद कैप्टन दीपक सिंह अपनी यूनिट के साथ डोडा के जंगल में सर्चिंग के लिए निकल गए। उनकी निगाहें वीरान जंगल में वतन के दुश्मनों को ढूंढ रही थी। रात का अंधेरा था, घने जंगल में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक जंगल में गोलियां चलने लगी। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई और इस मुठभेड़ में राष्ट्रीय राइफल के कैप्टन दीपक सिंह आतंकियों की गोली से घायल हो गए और उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली। बेटे की शहादत की खबर सुनते ही देहरादून में शहीद के परिवार में हड़कंप मच गया। बेटा फर्ज के खातिर अपने प्राणों का बलिदान दे चुका था। उत्तराखंड पुलिस में इंस्पेक्टर रहे पिता महेश सिंह को अपने बेटे की शहादत पर गर्व है, लेकिन इस बात का दुख भी है कि कश्मीर घाटी में आतंकियों के कायराना हमलों में माटी के लाल लगातार शहीद हो रहे हैं। ये मेरे लिए गर्व की बात है और कहना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन मानना तो एक दिन सभी को है। उसकी इच्छा भी यही थी कि मैं देश के लिए कुछ करूं, और आज उसकी इच्छा पूरी हो गई। वो अपने सीने पर गोली उसने खाई है, देश के लिए वो उसने अपनी शहादत दी। जम्मू कश्मीर की जो घटनाएं हैं, जो भी इंसिडेंट वहाँ पे हो रहे हैं, मैं तो जब भी वहाँ पे कोई इंसिडेंट समाचार पत्र में या न्यूज़ चैनल में सुनता हूँ तो मेरे जहन में सबसे पहले एक बात आती है कि कोई हमारा बेटा उत्तराखंड का ना हो इसमें। और पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे होंगे कि पिछले महीने ही कितने 5-6 पार्थिव शरीर एक साथ यहाँ पर आए थे। तो अगर इस प्रकार की घटना अगर हर महीने आपको अगर देखने को मिलेगी, तो जो माँ बाप हैं जिनका एक अपने बच्चों को देश की सेवा में भेजने के लिए वो तत्पर रहते हैं, तो थोड़ा एक उनको भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। शहीद कैप्टन दीपक सिंह की माँ गहरे सदमे में है। बेटे के बिछड़ने का गम माँ को अंदर अंदर खाए जा रहा है। शहीद कैप्टन दीपक सिंह की माँ ने अपने बहादुर बेटे को याद करते हुए कहा कि उनके बेटे को हथियारों का बड़ा शौक था। बेटा कहता था कि अगर दुश्मनों से लड़ते हुए बंदूक की गोलियां खत्म भी हो जाएं, तो वो खुखरी से आतंकियों का सफाया कर देगा। फौलाद का दिल और पहाड़ से बुलंद हौसले रखने वाला इस माँ का लाल अब इस दुनिया में नहीं है। राखी के त्योहार से पहले शहीद कैप्टन दीपक सिंह के घर में मातम छा गया है। बहनें यकीन नहीं कर पा रही हैं कि उनका जाबाज भाई अब उनसे हमेशा के लिए दूर जा चुका है। कैप्टन दीपक सिंह दो बहनों के इकलौते भाई थे।
उनकी मौत की खबर आने से ठीक पहले घर में जश्न का माहौल था। शहीद की बड़ी बहन ने एक बेटे को जन्म दिया था। परिवार के सभी लोग बेहद खुश थे, लेकिन बेटे की शहादत की खबर सुनते ही पूरे परिवार में मातम छा गया। शहीद कैप्टन दीपक सिंह जब अपने घर पर फोन पर बात करते थे तो वो हालचाल के नाम पर अक्सर झूठ बोल दिया करते थे। जब बहनें हालचाल पूछती थी तो वो कहते थे कि दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहे हैं। दो बहनों से उनका भाई जुदा हो गया है। अब वो समझ नहीं पा रही हैं कि राखी किस भाई की कलाई पर बांधेंगी। दो दिन से उसके मैसेज नहीं आ रहे थे तो बहन को उसकी बहुत टेंशन रहती थी। वो पहले से ही बोलती थी कि ये पक्का मिशन पे गया है, ये झूठ बोल रहा है, कहीं है, इधर उधर है। तो उसने हमें लास्ट टाइम बोला था कि मैं यूनिट आया हूँ और पार्टी में हूँ, 3 पैक डाउन। तो मुझे लगा ठीक है, पार्टी में होगा, इंजॉय कर रहा होगा। मैंने रिसेंटली उसको राखी पोस्ट करी थी और काफ़ी सालों बाद मैंने उसके लिए लेटर भी लिखा था। और वेंसडे को ही मैंने सोचा था मैं राखी चेक कर लेती हूँ कि कहाँ पहुँची है। मैंने भाई को लेटर भी लिखा था, बहन और अपने भी, आपने दोनों के उसमें। मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। कैसे यकीन कर सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करेगा, दो दिन बाद सीधे उसकी ये वाली न्यूज मिलेगी। कैप्टन दीपक सिंह के सर्वोच्च बलिदान को देश कभी नहीं भुला पाएगा। उन्होंने भले ही परिवार से झूठ बोला हो, लेकिन एक सच्चे सैनिक की तरह वतन की हिफाजत की उस सौगंध को पूरा किया जो उन्होंने सेना में भर्ती होते समय खाई थी। पूरे देश को कैप्टन दीपक सिंह की शहादत पर गर्व है। जब तक दीपक सिंह जैसे जाबाज अपना फर्ज निभा रहे हैं, तब तक आतंकियों के नापाक मंसूबे कामयाब होने वाले नहीं हैं। देवभूमि की माटी ने उन सूरवीरों को जन्म दिया है जो जान की बाजी लगाकर भी देश के दुश्मनों का सफाया करते हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।